अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा अभी इस पर मुहर नहीं लग सकी है, लेकिन अटकलबाजी और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेठी से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी तो रायबरेली से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 10 जनपद आवास में प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर माथापच्ची चल रही है। बुधवार 1 मई की सुबह तक बड़ा फैसला होने की उम्मीद है, क्योंकि 1 मई को सुबह तक राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने की संभावना है। उनके चुनाव लड़ने की भी घोषणा होने की उम्मीद है। एडवोकेट कौशिक अमेठी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के अमेठी रायबरेली के रणनीतिकार केएल शर्मा भी अमेठी के लिए जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से आई यह खबर पक्की है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जल्द ही नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने जिस दिन रायबरेली के लोगों को चिट्ठी लिखी थी, उस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के 3 करीबियों ने प्रियंका से रायबरेली में चुनाव प्रचार अभियान को लेकर इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने तब उन्हें रुकने के लिए कहा था। 2 दिन पहले भी प्रियंका से जब उनकी टीम के लोगों ने पूछा तो उन्होंने रुकने के लिए कहा। मंशा साफ है कि शायद प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ने की कम इच्छुक हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चुनाव रणनीतिकारों में गिने जाने वाले सुनील कानू गोलू काफी उत्साहित हैं। उनके करीबी ने कहा कि प्रियंका और राहुल गांधी दोनों को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से अच्छी बढ़त हासिल करेंगी, लेकिन पहले राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी का सवाल था कि अमेठी में और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीतने के बाद उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी, वो कौन सी सीट होगी। राहुल गांधी का दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर भी अपना एक तर्क है, लेकिन अंततः वो अमेठी से नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब सवाल प्रियंका गांधी का है। कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद के सूत्र कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर इसका निर्णय भी हो जाएगा। अभी संभावना खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अगले 3 दिन तक पार्टी के प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। 1 और 2 मई को असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगी। 3 मई को उड़ीसा और फतेहाबाद में प्रियंका को जनसभा को संबोधित करना है। फतेहाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में रोड शो भी करना है। गुजरात भी जाना है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस बारे में अंतिम निर्णय भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही लेना है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को पत्र लिखकर नेहरू गांधी परिवार से उम्मीदवार देने का भरोसा दिया था। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन रायबरेली सीट के लिए आशीष कौल के नाम की चर्चा भी शुरू हो गई है। आशीष मुंबई में रहते हैं, दीपा कौल के बेटे हैं। दीपा कौल पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मामी थी। वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते में भी भाभी थी। आशीष कौल टीवी का चर्चित चेहरा है और फिल्म अभिनेता हैं। घुटन, कुसुम, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, CID जैसे धारावाहिकों में अभिनेता के तौर पर काम कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव ने बताया कि हमारे पास बहुत स्टार प्रचारक हैं, लेकिन प्रचार अभियान की मुख्य जिम्मेदारी राहुल और प्रियंका के कंधों पर ही है। राहुल और प्रियंका दोनों की जनसभा में भारी भीड़ होती है। सूत्र का कहना है कि तमाम मुद्दों पर जनता से जुड़ने, संवाद करने में प्रियंका गांधी का कोई सानी नहीं है। यह बात सही है कि अमेठी और रायबरेली में चुनाव एक ही चरण में होने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी कहना है कि दोनों स्टार प्रचारकों के चुनाव लड़ने की दशा में दोनों का अपने क्षेत्र से चुनाव संपन्न होने तक निकलना मुश्किल होगा। ऐसे में देखना है कि पार्टी इस बारे में अंतिम निर्णय क्या लेती है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।